हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइनी टॉट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो मैं एक बुक लाई हूँ वो एक लर्निंग फोल्डर है, एक DIY है जो मैंने खुद अपने आप से बनाया है इसे मेरे बेटे के लिए जो कि 3 ईयर्स का है। और इस बुक को मैं रिकमेंड करती हूँ 3 ईयर्स एंड अबाव के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसके कंटेंट्स बताती हूँ। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके का इसमें पर्टिकुलर्स में 15 टॉपिक्स जो है ऐड किए हुए हैं। आप ड्राइंग बुक ले लीजिए इजी, एंड देन आप इसमें कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है मैंने ये आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है मैंने अल्फ़ाबेट्स रखा है। अल्फ़ाबेट्स आप बच्चों को तो सिखाना कंपलसरी है ही, जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा। और इसमें एक और ख़ास बात है, जैसे मैंने इसके लिए A to Z स्केच यूज़ किया है, इसमें लिख दिया है। और इसके बाद इसके लिए मैंने एक मैनिपुलेटिव भी बनाया है जिससे कि बच्चा जो है अच्छे से A to Z सीखेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये बॉक्स है, अल्फ़ाबेट बॉक्स। मैंने ये फ़ोन बॉक्स यूज़ करके इसमें बनाया है। तो मैनिपुलेटिव्स मैंने इसमें एक चार्ट पेपर लेके कार्डबोर्ड पर ऐसे ऐसे बनाया है, देख सकते हैं आप पी। तो आप इससे जो है बच्चे के साथ अच्छे से गेम भी खेल सकते हैं। ओके टेल मी वेयर इज़ पी, सो बच्चा जो है पी पे पुट करेगा। इस तरीके का ये मैंने अल्फ़ाबेट गेम बनाया है फर्स्ट पेज में, इस तरीके का A to Z पूरे लेटर से। इजी आप चार्ट लेकर इसे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट पेज जो इसका है वो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे पास प्रिंट घर पर था तो मैंने इसे स्टिक कर दिया A to Z स्मॉल वाले। नेक्स्ट थर्डली जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो नंबर्स है, 1 to 10 बेसिक नंबर्स जो आने चाहिए हर टॉडलर्स को स्टार्टिंग ईयर्स में। 2.5 ईयर से भी आप ये DIY यूज़ कर सकते हो आपके बच्चे के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल DIY है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए भी एक नंबर बॉक्स बनाकर रखा हुआ है, इसमें भी मैंने मैनिपुलेटिव्स यूज़ किए हैं। इस तरीके के 1 to 10 मैंने प्रिंट लिया था एंड देन उसे कट करके उसको कार्डबोर्ड पर पेस्ट करके ऐसे मैंने मैनिपुलेटिव बनाया है। अच्छा आप देख सकते हैं 10, तो इससे जो है बच्चों का इंटरेस्ट और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बच्चों का जो है वो अच्छा रहता है। 3 इस तरीके से 8, 1 to 10 मैंने बनाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन मैंने इसमें पुट किया है वो है शेप्स एंड कलर्स का। जैसे आप देख सकते हैं मैंने हर चीज़ में चार्ट यूज़ किया है ताकि जो है टाइम भी सेव हो सके और चार्ट जो है वो बहुत ब्राइट एंड अट्रैक्टिव भी होते हैं बच्चों का अटेंशन सीख करने के लिए, शेप्स एंड कलर्स। नेक्स्ट जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो है इंटरनेशनल फ्लैग 5th, जैसे आप देख सकते हो। वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैग्स भी बच्चों के लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो हेल्पर्स है, जैसे आप देख सकते हो बेसिक फार्मर, मेसन, ड्राइवर, इसमें भी मैंने चार्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो है करेंसी। 3 and above ईयर्स के बच्चे है कि वो करेंसी जो है वो देख सके कि किस टाइप की करेंसी कौन सी है, जैसे 2000 का नोट है, 500 के नोट से, तो वो उसे समझ सके, इसीलिए मैंने ये भी सेक्शन इंक्लूड किया है उसमें। मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली बात है ये भी सीखना होना ज़रूरी होता है, तो मैंने ये भी इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो है ये है सेकेंड स्टेज की लर्निंग, जैसे सिंगुलर प्लुरल हो गया, कार्स, बेबी, बेबीज। और ये मेरा बेटा जो है 3 ईयर्स ओल्ड है बट वो सीख गया है इजीली सिंगुलर एंड प्लुरल। नेक्स्ट सेक्शन 10th सेक्शन इंक्लूड किया है वो है व्हीकल्स का। व्हीकल्स जैसे सब बॉयज़ को तो बहुत ही पसंद होते हैं, ये एक नया सेक्शन है। इसमें मैंने एक लिसन एंड टच अल्फ़ाबेट्स करके एक सेक्शन पुट किया है। अलग अलग एक बॉटल कैप लेकर मैंने उसमें सर्कल्स बनाए हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इसमें पुट किए हैं, एंड आप एक मैनिपुलेटिव ले सकते हो। सो इस तरीके का मैंने एक कैप इसमें यूज़ किया है, पाउडर कैप है ये, इससे कैप से सर्कल करके उसमें अल्फ़ाबेट्स पुट किए एंड देन हम मैं और मेरा बेटा ऐसा प्ले करते हैं जैसे ओके टच द अल्फ़ाबेट के, सो वो यहाँ पर पुट करेगा ओके, पुट ऑन द अल्फ़ाबेट सी, पुट द कैप ऑन द अल्फ़ाबेट सी। तो इस तरीके से हम ये गेम खेलते हैं लिसन एंड टच अल्फ़ाबेट। इससे जो होगा बच्चे की लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी एंड उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा।
इसमें और सेक्शन मैंने 1 to 10 का ये पुट किया है, लिसन एंड टच नंबर्स, जिसे आप देख सकते हैं 1 to 10 नंबर्स इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने। नेक्स्ट इसमें मैंने काउंट दी ऑब्जेक्ट्स, हायर लेवल का काउंटिंग जो है बच्चों को बेसिक ये भी आना चाहिए, 3 and above ईयर्स के जितने बच्चे हैं, तो मैंने ये एक सेक्शन इसमें इंक्लूड किया है काउंट दी ऑब्जेक्ट्स। देख सकते हैं आप मैंने कैसे ट्रायंगल्स, कैट, जो जो बेसिक नॉर्मल चीज़ें आप बना सकते हैं वो आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। अब हो गया, सब कुछ सीख लिया बच्चे ने बट उसको नाम ही नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा, तो इसीलिए मैंने इसमें एक नेम का भी सेक्शन ऐड किया है, जैसे माय नेम इज़ फैसल, मेरे बेटे का नाम फैसल है। तो इस तरीके से क्या होगा, इससे जो है वो अपनी स्पेलिंग भी सीख जाएगा और इसमें चाहे तो मैं अपना मैनिपुलेटिव्स भी यूज़ कर सकती हूँ अल्फाबेट्स वाले, ताकि वो खेलते खेलते अपना नेम जो है स्पेलिंग के साथ याद कर ले। ओके, अब ये बुक मेरे बेटे के लिए मैंने बनाई है, तो उसका अगर कुछ अपना सेक्शन नहीं होगा तो ये बुक के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, तो इसीलिए मतलब जब भी वो फिर 4 years का हो, 5 years का हो, कब भी वो अपनी बुक खोल कर देखे तो ओके ये मैंने किया हुआ है, ये मेरा स्क्रिबलिंग है, तो इसलिए मैंने इसमें 15th सेक्शन जो है लास्ट सेक्शन लेट मी स्क्रिबल ये इंक्लूड किया है। ऐसे आप शेप बनाकर दे सकते हो या और कोई भी पैटर्न आप बनाकर दे सकते हो, या बच्चे को खुद ड्रॉ करने के लिए कह सकते हो, बच्चे उसमें कलर करेंगे या स्क्रिबल करेंगे। तो इस तरीके का ये 15 कंटेंट का मैंने ये बुक बनाया है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये DIY आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं।